नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ आरती। नववर्ष की पावन वेला में है यही शुभ संदेश, हर दिन आए आपके जीवन में लेकर खुशियाँ विशेष। नववर्ष 2021 के समय जगत समूह की ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भोपाल, नया वर्ष परस्पर सामाजिक समरसता के साथ एकजुट होकर देश की प्रतिष्ठा और प्राण प्रमाणित बनाएं। इसके लिए सबको अपने अपने हिस्से की ईमानदारी करनी चाहिए। जो शिक्षा के क्षेत्र में है वह वहां कुछ कीर्तिमान स्थापित करें, जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में है वह करें, जो शासकीय सेवा में है वो वहां करें, वह शासकीय योजना के क्रियान्वयन में पूरी ईमानदारी से भूमिका निभाई। वहीं उन्होंने समय जगत की प्रशंसा करते हुए कहा कि मैंने कई समाचार पत्रों में पढ़ा है मास्क की वैक्सीन है, नेताओं ने कहा कि मास्क की वैक्सीन है, अनेकों ने कहा कि लेकिन समय जगत ने किया है। समय जगत ने विवेकानंद जयंती के पूर्व 1,25,000 मास्क और 11,000 विवेकानंद जी की तस्वीरों का जो महालक्ष्य लिया है वह उसके अपने हिस्से की ईमानदारी है। समय जगत के नवाचार पर आपका क्या मानना है? चूंकि नया वर्ष पिछला वर्ष पूरा कोरोना की भेंट चढ़ गया और नए वर्ष में आपको क्या उम्मीदें हैं, क्या आप संदेश देना चाहते हैं? देखो, नया वर्ष परस्पर सामाजिक समरसता के साथ हम एकजुट होकर देश की प्रतिष्ठा और प्रामाणिकता बढ़ाएं, वैश्विक प्रतिष्ठा बढ़ाएं। इसके लिए सबको अपने अपने हिस्से की ईमानदारी करनी चाहिए। जो शिक्षा के क्षेत्र में है वो वहाँ कुछ कीर्तिमान स्थापित करें, जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में है वहाँ करें, जो शासकीय सेवा में है वो शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में पूरी ईमानदारी से अपनी भूमिका निभाएं। इसी में आपने जो समय जगत का विषय पूछा तो मैं बड़ा उत्साहित और प्रशंसित करते हुए ये कहना चाहूँगा, मैंने कई समाचार पत्रों में पढ़ा मास्क ही वैक्सीन है, नेताओं ने भी कहा मास्क ही वैक्सीन है, अनेकों ने कहा, लेकिन समय जगत ने किया। समय जगत ने विवेकानंद जयंती के पूर्व 1,25,000 मास्क और 11,000 उनकी तस्वीरों के वितरण के जो महान लक्ष्य को लिया है यह उसके अपने हिस्से की ईमानदारी है। यह वंदनीय है, अनुकरणीय है, प्रशंसनीय है। इसका अनुसरण अन्य भी समूह किसी भी रूप में, देखिए महापुरुषों को स्मरण करते हुए उनके जीवन चरित्र का अध्ययन करना समाज को एक प्रेरणा देता है। और सबको लगाओ मास्क, लोकतंत्र में जगाओ आस। समय जगत समूह ने 28 उपचुनाव में लाखों मास्क का वितरण करके अपने सामाजिक सरोकार को उस हिस्से की पूर्णता की है जिसमें वो कहता है कि हम नहीं केवल समाचार, हमारे भी हैं सामाजिक सरोकार। तो ये निश्चित रूप से समय जगत इन सरोकारों पर बढ़ते हुए एक प्रतिष्ठा प्राप्त करे, और प्रचार इसलिए नहीं स्वयं के उसके लिए, लेकिन प्रचार इसलिए ताकि और भी उसका अनुसरण करते हुए इस तरह के नए कीर्तिमान स्थापित करें। तो मुझे ये सुखद संदेश देते हुए बड़ी प्रसन्नता है कि समय जगत नित्य नूतन नवीन नवाचारों के साथ सरोकारों के साथ एक प्रतिष्ठा प्राप्त करे और सबके लिए प्रेरणादायी बने। धन्यवाद। भोपाल से खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।